फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल बंदा। मेरा नाम है आनंद एंड बी रेडी टू लर्न। आज की डेली लाइफ में कंप्यूटर तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर हम सब में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारा कंप्यूटर देखते ही देखते कितना बदल गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बी रेडी टू लर्न। जनरेशन कंप्यूटर की तो इसकी शुरुआत 1940 से शुरू होकर 1956 तक गया था। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एक छोटा सा कांच का यंत्र होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जॉन वी ने पहला कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम एनिक था। 30 से 50 फीट लंबा था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 70,000 रजिस्टर और 10,000 कैपेसिटर लगाए गए थे। इसकी साइज एक घर के बराबर बड़ी होती थी और इसे चालू करने के लिए पूरे शहर की बिजली काटनी पड़ती थी। सोचिए, पूरे शहर की बिजली काटनी पड़ती थी और ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता था। तो इस जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था और पंच कार्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते थे। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक था जो कि 1952 में बनाया गया था। जनरेशन कंप्यूटर की तो ये 1956 से शुरू होकर 1963 तक गया था। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय विलियम सोकली इन 1947। इस जनरेशन में कंप्यूटर छोटा हो गया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विल बी पॉसिबल। बात करें कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल हो गया था और सेकंड जनरेशन में मेमोरी की जगह पे हम लोग मैग्नेटिक टेप का यूज करके। बता दूं कि सबसे पहला सीआरटी मोनोक्रोम मॉनिटर सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। 1964 और 1971 तक चला था। ये वो दौर था जहां पे कंप्यूटर कॉमन लोगों के लिए यूज करने लायक हो गया था और लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिए थे। बन गए थे और उसको सिलिकॉन चिप पे रखा गया जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं। ये कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा देता है क्योंकि हम जानते हैं आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, बहुत सारे कैपेसिटर फिट होते हैं। और इस जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर हमारा वर्साटाइल हो गया था। जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज होना शुरू हो गया था और सबसे नया हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। 1971 से अब तक, अब हम उस दौर में आ गए थे जहां पे कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो गया था। बात करें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की तो इस जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर का यूज किया गया था जो कि टोटली जीरो और वन बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता था। कंप्यूटर छोटा और इतना छोटा हुआ कि वो हमारी हथेलियों तक आसानी से हम उसे कैरी कर सकते थे। इस जनरेशन कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइसेस बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगी थी। पेरिफेरल डिवाइसेस में बता दूं आपको, ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। माइक्रोप्रोसेसर तकनीक जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया, MITS, ये वो कंपनी थी जिसने सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर बनाया था। और मैं आपको ये जान के हैरानी होगी कि मार्केट का 90% प्रोसेसर इंटेल और AMD कंपनी बनाती है। इंट्रोड्यूस इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, सी लैंग्वेज आर इन्वेंटेड बाई AT&T बेल लेबोरेटरी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर टोटली बेस्ड ऑन ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये वो टेक्निक है जो कि AI को सपोर्ट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बहुत सारी कंपनी ने तो अपना AI का टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया, जैसे कि गूगल ने अपना गूगल असिस्टेंट, एप्पल ने अपना सर्व। तो कौन नहीं जानता, हम सब रोबोट को जानते हैं। ये भी एक टाइप का AI फीचर्स है, लेकिन अभी भी इस पे बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैंने फिल्म तो आप सब लोगों ने देखा होगा, टोनी स्टार को कौन भूल सकता है। उसने अपना AI कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था फ्राइडे। और जहां तक मेरा रिसर्च कहता है कि 2050 तक हम लोग टोटली AI को अडॉप्ट कर लेंगे।